इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के मिलक से, जहां एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते एसडीएम के पेशकार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हमारे संवाददाता के साथ देखेंगे विशेष रिपोर्ट। क्या नाम आपका? हूँ अच्छारण प्रजापति। तो क्या मामला था आज आपको जो एंटी करप्शन टीम आई थी? जमीन का मामला था। हमारी जमीन जो खेती थी, खेती वाली है, वो आवासीय होना थी। उसके लिए 143 धारा 80 की फाइल हमने भेज दी थी। वो फाइल जो है एटीएम की कोर्ट में थी। एटीएम के पेशकार ने पैसे मांगे थे कि आपकी फाइल आगे बढ़ेगी, तब आप जो है साहब के और हमारे पैसे देंगे। फिर जो खर्च होगा 20,000 और प्लस 10,000 फिर पैसे मांगे। अब मेरे पास पैसे का थोड़ा प्रबंध नहीं हो पाया, तो आज थोड़ा प्रबंध हुआ, तब मैं पहुंचा और परेशान होकर एंटी करप्शन टीम को मैंने सूचना दी। फिर मेरे साथ वहां वो पहुंची। जैसे मैंने 20,000 रुपये दिए और 10,000 आगे देने की बात कही गई, तब तुरंत जो है जैसे 20,000 रुपये दिए और मैं बाहर निकला, तो एंटी करप्शन टीम ने तो क्या नाम है साहब के पेशकार का? मोहम्मद जुनैद। अच्छा, तो आपको फाइल कराने के लिए पैसे मांगे थे? जी जी। तो अब क्या कार्रवाई हुई यहाँ पे आपकी? अब यहाँ पर इसके खिलाफ एंटी करप्शन ने मुकदमा गिरफ्तारी है, हो रही है। इससे मैं हम यहीं पे हैं। अब जैसे मुकदमा दर्ज हो गया आपका? हाँ, मुकदमा दर्ज हो रहा है।